प्रेजेंटिंग बाय एमकेडी फिल्म। एक ही मोड़ा है कि लोग भी आज मोड़ा होगा बे। फिर बोलू एक कर राम राम सा। आज मीराबाई की पावन धरा पर स्वर्गीय बाबा की प्रतिमा के अनावरण का ये कार्यक्रम में मंच माते उपस्थित भारत राष्ट्र का उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब, बाके साथे पधारिया डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब, राजस्थान में सरकार में कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, साथे उपस्थित डेगाना का पूर्व विधायक और किसान नेता रिछपाल जी मिर्दा साहब, मारे वो मंच जको ई साइड है नी, मंच माते घना ही नेता है, मैं घना नहीं ओल कुआ मऊ, पर अगला का नाम ले जाना बाद फ्लाइट उड़न कोई टाइम हो जाए साहब के, तो मारी तरफ हूँ मैं आप सगला को अटे अभिनंदन करूँ सा। है जीती मारे सामने आज जनता जनार्दन, बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथियां मातावां बहना आप लोग पधारिया। देखो मैं साहब ने बतानी चाहूं कि मेड़ता जको है वो बाबा की कर्म भूमि है, मारो लोकसभा क्षेत्र भी कौन लागे अटे, रिछपाल जी और भाई विजयपाल जी को भी विधानसभा क्षेत्र कन्ने ही लागे डेगाना लागे, पर मेड़ता कौन लागे। तो साहब ने कहनी चाहूं कि एक स्पेशल बात है, मूर्तियां घनी लाग्या करे, आप जखा प्रेरणा लेनी चाहवा समाज में, भले वे आपना बुजुर्ग हुए, कोई नेता हुए, कोई शहीद हुए, बाकी मूर्ति अमूमन देखा कि भाई लागती रिया करे, पर ई मूर्ति के बारे में एक खास बात है कि अब पूरी मूर्ति को जको कार्यक्रम लगानो, ई को जको पूरी जकिया जगिया है, इनकी व्यवस्था करनी, पया की व्यवस्था करनी, मूर्ति बनवानी, एक हूँ एक सगली चीजा लेर जन सहयोगी हुई है, आ हगड़ों बधाई की बात है आप लोग। मन याद है कोरोना को टाइम हो, हरबुज जी सार अपने हरसुख जी पूनिया सार कमेडिया जी और अगला जयपुर आया और मैंने कहो कि साहब मैं मूर्ति बनवावा था, एक चाल भी को निरीक्षण कराओ कि साहब साहब जड़ी लगे कि कौन लगे। मैं क्यों भाई मूर्ति बनवाओ माके बटे जयपुर फार्म के नेड़े ही है वह जगह, अबे वे मूर्तिकार आपा भी चेक होनी रिया, अर बड़ा नामी आप है अर्जुन जी जका प्रजापत आप पद्मश्री आ राष्ट्रपति अवार्ड विनर आप, बाकी भी कोरोना के दौरान बाकी इंतकाल हुई को बाकी डेथ हुई गई, मैं गया जना वे मूर्ति बनाता जना मूर्ति की भव्यता देख मारो भी दिल घणो ही गदगद हुई, और मैं क्यों कि सा ई का तो जका पे आला आगी मैं दे दे हूं, क्यों नहीं सा कौन लेवा था हूं एक आनो ही कौन लेवा, मां हगला जका कर्मचारी हाँ मां इकट्ठे कर चंदा कर ई मूर्ति का जका पे आया बे देव। तो साधु बात है वा लोगा ने जको भी कोई मिना की मैं तन मन धन आपकी सेवा के कोई भी तरीके में मैं योगदान करियो, मैं कहनी चाहूं कि मिर्दा परिवार की ओर हूं मां सगला आप लोगों का सदैव ऋणी रहने वाला। मैं बाबा ने तो देखो एक पहचान नागौर दिराई, हर नागौर ने एक पहचान बाबा दिराई, मैं आप लोगों इतो ही कहूं कि आज आपा उपराष्ट्रपति जी ने सुननी चाहवा, मैं आपके भावनाओं ने देखता हटे आया है। देखो कोई चीफ गेस्ट अपन बुलाते हैं तो कोई सोचता है कि भाई जिस नेता का कद था उसके हिसाब से उनके चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए, कभी हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता आए, लेकिन यहाँ एक और पहल हुई है और वो पहल ये है कि स्वर्गीय बाबा के प्रति उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब की जो एक आत्मीयता है, एक पर्सनल उनका जो लगाव था उनके प्रति, उसकी वजह से वो आज यहाँ आए हैं। और अपनी अपने उद्बोधन में आपको ये बहुत से किस्से अपने बताएंगे, मैं सिर्फ एक दो चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो कोई अपना होता है तो उसका सुख में तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन दुख में उसको सबसे पहले याद करते हैं कि नहीं करते। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और
अगर आप लोग उस टाइम पे कोई लोग होंगे तो आपको याद होगा कि बाबा की उस टाइम आंख की कारी हुई हुई थी, तो बाबा सागे दिन नहीं आ सके थे और तीसरे दिन वो पधारे थे। और क्योंकि हम लोग सिरसी फार्म पे उस टाइम पे थोड़े समय पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो हमारे टेलीफोन नहीं लगा था, उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा जब जयपुर आए थे तो उन्होंने किसको फोन करके गाड़ी मंगवाई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो? हमारे बीच में आज सुदेश धनखड़ जी हैं, इनको फोन करके कहा था कि भाई मेरे गाड़ी भेजना, मेरे को फार्म जाना है। तो अगर ऐसे समय में कोई याद करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना अपनापन था जब उन्होंने मैडम को फोन करा और उन्होंने गाड़ी भिजवाई। और भी बहुत सारा ऐसा एक लंबे समय तक तालमेल रहा। अभी उपराष्ट्रपति जी आज सुबह जब दिल्ली से पधारे, पहले जयपुर से पुष्कर गए, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करे, जाट शिव मंदिर के दर्शन करे, फिर आपने बताया कि कार्यक्रम शायद नहीं था, फिर भी जो जाट विश्राम स्थली है वहां पे पधारे, विश्राम स्थली के अंदर भी जाकर के आए, नागौर आए, खरनाल में तेजा मंदिर के दर्शन करे, और उसके बाद आज मेड़ता डांगावास लैंड करने के बाद में बाबा नाथुराम जी मिर्दा के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। आ गया इनका लंबा प्रोग्राम था आज दिन भर का, अब जोधपुर से वापस आज दिल्ली पधारेंगे, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लेके मैं सिर्फ अपनी ओर से समिति के लोग जिन्होंने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग रखा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एकजुट होकर के मेहनत करी, उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही दो लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक मोती जी खाखड़ की, जिनका हमेशा से एक सपना था कि इस तरीके का एक कार्यक्रम हो, ये बगीची बने, बाबा की मूर्ति लगे, आज उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं बहुत ठंडक पहुंच रही होगी ये कार्यक्रम देख करके, आलिशान यहाँ पे व्यवस्थाएं देख करके। साथ ही मैं वो जो मूर्तिकार थे अर्जुन जी प्रजापत, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्रतिमा बनाई साहब की, जो एक सराहनीय सारी जिंदगी हमारे जो आने वाली पुश्तें उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। माननीय उपराष्ट्रपति जी की भावनाएं आप अभी देखें, वो अभी मुझे ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर लोगों से संपर्क करूंगा कि इस बगीची के अंदर ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो यहाँ पे अच्छे से फले फूले और बिल्कुल हरियाली बने रहे। ये आपको एक और तरीका, मतलब एक और भावना उनकी प्रतीत होती है कि भाई कितना वो इस जगह के बारे में सोच रहे हैं, कितना अपनापन करते हुए वो आज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए अपनी ओर से सभी व्यवस्थापकों को, सभी जो लोग यहाँ पे पधारे हैं उनको, मीडिया के बंधुओं को, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने पधार करके इस सभा को सफल बनाया, उसके लिए मिर्दा परिवार की ओर से सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।